तो दोस्तों एक और एक 11 पबजी के बच चुके हैं पूरे के पूरे 12। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने बता दिया है कि पबजी फाइनली बैन होने जा रहा है इंडिया में। कुछ पॉलिसीज को लेके वो कुछ इंटरफेयर कर रहा था उसकी पॉलिसीज इंडिया के 69 एक्ट के हिसाब से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से पबजी और 118 एप्स इंडिया की बहुत सारी प्राइवेसी और यूजर की प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इन्वोक कर रहा था, बीच में इंटरफेयर कर रहा था, इन 118 एप्स को कर दिया है बैन आज। इससे पहले 59 एप्स जो कि बहुत ही जाने माने एप्स थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा फेमस एप जो कि टिकटॉक रहा है, वो भी एक महीने पहले ही बैन हो चुका था। और अब आज पबजी मोबाइल लाइट और ऐसे बहुत ही जाने माने एप्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंडिया के अंदर रन कर रहे थे और 24% से भी ज्यादा पबजी के यूजर्स थे इंडिया में, जो कि अब ये पबजी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है और पबजी लाइट भी इसी के साथ साथ यहाँ से निकलने वाला है। तो दोस्तों रीजन बहुत सारे हैं, मैं वीडियो के अंत तक आपको हर एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं PUBG से रिलेटेड। तो दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है, 59 एप्स पहले के थे वो, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको लिंक पे मिली जाएगी। इसके अलावा जो आज 118 एप्स हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा चलन में थे उन एप्स की एक लिस्ट मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन से जो जाने माने ऐप हैं वो फाइनली बैन हो चुके हैं। जो जो दिन में 10 से भी ज्यादा चिकन डिनर लपेट के अपना पेट भरते थे उनकी आज से हड़ताल शुरू होने वाली है, क्योंकि आज के बाद उन्हें चिकन नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो दोस्तों पबजी का शौक तो हर किसी को था, इवन मैं भी पबजी खेलता था, लेकिन इसकी एक एडिक्शन मैंने कभी नहीं बनाई, जब कभी मूड हुआ तभी खेलता था। लेकिन एक अकाउंट मेरे दोस्त का मुझे मिला है, तो उसकी मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, जिसमें इसके पास 7,000 से भी ज्यादा यूसी हैं, मतलब कि 2 से 3 लाख रुपए इसने इसके ऊपर लगा रखे हैं। तो दोस्तों लिस्ट कुछ इस तरह है कि एप्स के जितने भी APUS के जितने भी ऐप हैं वे सारे के सारे बैन हो जाएंगे, और उसी के साथ लिस्ट इतनी लंबी है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चलन में थे वो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीचैट है, वीचैट वर्क है, लूडो नहीं खेल पाएंगे हम आज के बाद दोस्तों, लॉकडाउन में हमारा सहारा लूडो था वो हम नहीं खेल पाएंगे। पबजी मोबाइल लाइट, दोस्तों पबजी तो खेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो पबजी मोबाइल लाइट है वो भी बंद हो जाएगा। राइज ऑफ किंगडम ये भी बंद हो जाएगा। लैमोर, हमारे डेटिंग एप्स भी बंद होने वाले हैं। यू डिक्शनरी, वीपीएन फॉर टिकटॉक, दोस्तों टिकटॉक बंद हो गया तो उस पर वीपीएन लगा के हमारे दोस्त कुछ उस पर टिकटॉक चलाए जा रहे थे, मतलब जो कीड़ा इनका टिकटॉक वाला था वो गया नहीं, क्या किया जाए, टिकटॉक बंद करने के बाद इनके कीड़े नहीं बंद हुए। और दोस्तों इसी के साथ फेस यू, सुपर क्लीनर, टेंसेंट और हमारा ऐप लॉक, हमारा जो ऐप लॉक था जिससे हम हमारे एप्स को लॉक कर सकते थे, मतलब हाइड कर सकते थे बेसिकली, वो भी हट जाएगा। टेंसेंट की जितनी भी फाइल थी दोस्तों वो भी हट चुकी है, इसी वजह से पबजी बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे ब्लॉकिंग 118 मोर मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग पबजी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर बाय इनवोकिंग सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देखा जा रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 69 है उसका वॉयलेशन किया जा रहा था इन 118 एप्स के द्वारा, और जो हमारे 59 एप्स और भी जो बैन हुए थे वो भी सेम हमारे 69 आर्टिकल जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वॉयलेट हो रही थी। पबजी ने भी पूरी जान लगा दी थी इंडिया में सर्वाइव करने के लिए, जितने भी इन्होंने अपडेट्स डाले और जितने भी प्राइवेसी को अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन सारे कोशिश इनकी नाकाम रही। और हमें ना कहीं इसको नेशन के हिसाब से देखना चाहिए, हमें इसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी हमारे नेशन के लिए किया जा रहा है। इंडिया में पबजी की बहुत ही बड़ी मार्केट है, इसको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इन्होंने इसको हिंदी में भी ला दिया था, बहुत ही ज्यादा कोशिश की जा रही थी कि प्रेफरेंस दिया जाए इंडियन लोगों को। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही था, इतनी सी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आगे कुछ और अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको फटाफट अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।